हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू सेज ब्यूटी जोन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट हेयर मास्क। ये हेयर मास्क मैंने फर्स्ट टाइम अपने हेयर पे अप्लाई किया है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिबॉन्डिंग की वजह से, जो कि 8th टाइम मैंने अपने बालों पे करवाई है, तो मेरे जो बाल हैं बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, बर्न हो चुके हैं। तो उनको ठीक करने के लिए, हालांकि वो बर्न बाल कभी ठीक नहीं होते हैं, कटिंग के द्वारा ही निकलते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ इनको मैनेज किया जा सके, तो कोई ना कोई हेयर मास्क मैं अप्लाई करती रहती हूँ। तो ये हेयर मास्क आप वीडियो के एंड में देखना कि अगर डैमेज्ड बालों पे इस हेयर मास्क का इतना अच्छा इफेक्ट हो सकता है, तो आपके बालों में कितना हो सकता है। तो ये फ्रूट जो है वो है एवोकेडो फ्रूट। बहुत सिंपल मैंने हेयर मास्क बनाया है, कोई तामझाम नहीं किया है। तो देखते हैं कि कैसे मैंने ये तैयार किया हेयर मास्क। ये मैंने एक एवोकाडो को छील कर उसकी अच्छी तरह पूरी पल्प निकाल ली है। मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले लिया है एक बॉल थिक कर्ड। अब एक एवोकाडो का पल्प और एक बॉल थिक कर्ड हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। एवोकाडो पल्प को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है और अब मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ एक बॉल कर्ड। अब इस मिक्सचर को मैं हेयर मास्क की तरह अपने हेयर पे अप्लाई कर लूंगी। सबसे पहले हम ऐसे कॉम से अपने बालों की अच्छी तरह जो उलझने हैं वो निकाल लेंगे। टैंगल्स बिल्कुल भी आपके बालों में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं और हैंड से भी अपने जो मास्क है अपने बालों पे लगा सकते हैं। पार्टीशन के बाद कर लिया है। आप शावर कैप से भी अपने बालों को ढक सकते हैं और अब इसको 30 मिनट्स के लिए रखना है और उसके बाद अपना हेड बाथ ले लेना है। हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हैं बाल बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं। कोई हेयर स्ट्रेटनर नहीं मैंने यूज किया है, जस्ट हेयर ड्राई होने के बाद जस्ट मैंने ये कॉम किया है। देखा आपने एवोकाडो हेयर मास्क का कमाल। डैमेज्ड हेयर पे कोई स्ट्रेटनर मैंने नहीं यूज किया है। एवोकाडो हेयर मास्क थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर ऐसे बाल आप जानते हैं कि हमें पार्लर में जाके अगर ऐसे बाल का टेक्सचर करवाना है तो हमारा बिल कितना हो जाता है, हम सभी जानते हैं। ये मैंने जस्ट 120 रुपीज में हेयर मास्क रेडी किया है। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि एवोकाडो जो है आपके बालों को बहुत नरिश करता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आती हूँ एक नए प्रोडक्ट के अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन,